टू आईटीएन सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है चर राशियों के रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चर राशियों के भी रैखिक समीकरण आते हैं और एक चर राशि वाले भी रैखिक समीकरण आते हैं। तो देखिए ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है आपका 2x प्लस 7 अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2 3x प्लस 11 अपॉन 2 इक्वल टू 2x प्लस 8 बाई 3 माइनस 5। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे आपका 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्दर। तो 2x प्लस 7 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 11 इक्वल टू, और ये आपका कितना है, ये है आपका 3 आ जाएगा यहां पर एलसीएम। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस, और ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, 3 का फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4x प्लस 14 माइनस 15x माइनस 55 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 7 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनका भी, लेकिन पहले और सिंप्लीफिकेशन हम इसमें कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या होगा, ये 4x माइनस 15x ये आपका हो जाएगा माइनस 11x, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 15 प्लस 14 माइनस 55। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा 41 अपॉन 10 ठीक है इक्वल टू, और ये आपका 2x माइनस 7 अपॉन ये आपका 3 हो जाएगा। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11x प्लस 41 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 2x बाय 3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33x प्लस, और ये आपका हो जाएगा 123। 41 में 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 123, और ये आपका 70 माइनस 20x। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20x इधर आएगा तो 33x से ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 53x इक्वल टू, और यहां पर 70 जब इसको इधर पे लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 123। तो ये आपका कितना हो जाएगा 53x इक्वल टू माइनस 53। तो यहां से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, माइनस 1 मिल जाएगी, ये आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, माइनस 1 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको, तो देखिए इसमें क्या है, हम इसको ऑप्शन से हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन में एक्स की वैल्यू हम रखेंगे, और जब भी एलएचएस और आरएचएस हमें बराबर दिखेंगे तो जिस वैल्यू पे एलएचएस और आरएचएस बराबर होंगे वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वही एक्स की वैल्यू होगी। तो देखिए पहले ए ऑप्शन पे चेक करते हैं, तो ए ऑप्शन पे अगर हम चेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 9/5 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 3+11 कितना हो जाएगा 14/2 बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा 2+8/3 -5। सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9/5 माइनस 7 बराबर 10/3 -5 ठीक है। आप
अब अपनी सहूलियत के लिए अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े से अगर फास्ट हैं तो आप ये कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन सबको बताने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 - 35/5 बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 - 15/3। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि इन दोनों को अगर सॉल्व करा जाएगा तो किसी भी सूरत में LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। तो x = -x = 1 हमारा सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो x = -1 रखेंगे, तो हम देखिए उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसमें हमारा कोई एक टर्म क्या ना आए, हमारा परिमेय संख्या में ना आए। परिमेय संख्या में मतलब ये आपका 2/3 ना आए, 1/5 ना आए, 4/13 ना आए। हालांकि ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि जो आपके लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें ये सारे टर्म कभी नहीं आते हैं। आते हैं और उनका भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो थोड़े से अलग प्रॉब्लम है। ज्यादातर आपके जो पेपर्स में आते हैं वो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करने में क्या देते हैं, इंटीजर वैल्यू देते हैं। इंटीजर वैल्यू यानी कि +2, -2, -4, +4 इस तरीके से जो वैल्यू देते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू अगर -1 में प्रोवाइड करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 + 7/5 - और ये आपका कितना हो जाएगा, -3 + 11/2 = और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 + 8/3 - 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5/5। तो ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 में से 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 - 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -3/-3। तो इसमें आपका LHS और RHS आपके दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा x = -1 क्या है, इस समीकरण का हल है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम x की उन वैल्यूज को हम चेक करेंगे जिन पे ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, वो हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर x की वैल्यू अगर हम +3 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 - 3 - 4/6, ये आपका कितना हो जाएगा, 15 - 4 कितना हो जाएगा, 11/6। ये कुछ हमारा जम नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, परिमेय में आ रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो +3 आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म है कि नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका इंटीजर में आपका आना चाहिए, लेकिन हर सवाल के केस में नहीं है, बट कुछ सवालों के केस में होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक प्योर सॉल्विंग स्ट्रेटजी है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जो मेन जो आपका मेथड है, जो x इसको क्या करो, सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू यहां से निकालो, वो आपका मेन मेथड है। लेकिन अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और इसमें अगर x की वैल्यू प्रोवाइड करने में अगर ये आपका परिमेय में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो वो आपका सॉल्यूशन आपका नहीं होता है ज्यादातर केसेस में। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, -3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 - 15 - 4 कितना हो जाएगा, -19/6, ये भी हमारा जम नहीं रहा, तो ये भी हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब x की वैल्यू 2 प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पर देख रहे हैं 5 - 2 - 4/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6/6, ये हमारा कुछ ठीक ठाक लग रहा है।
अब देखिए इसमें आपका ये क्या आ रहा है, ये आपका एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर भी कह सकते हैं, ये आपका नेचुरल नंबर भी है। अब आरएचएस को चेक कर लेते हैं कि आरएचएस भी हमारा एक आ रहा है कि नहीं। तो एलएचएस एलएचएस आरएचएस जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा जिसको हमने चेक किया है। हम किसको चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू टू को चेक कर रहे हैं। तो आरएचएस चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चार गुणा दो प्लस एक माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, तीन गुणा दो प्लस दस बटे दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ एक नौ माइनस, और ये कितना हो जाएगा, तीन दूनी छह प्लस दस बटे दो कितना हो जाएगा, सोलह बटे दो। तो ये कितना हो जाएगा, आठ। तो नौ माइनस एक क्या हो जाएगा, आठ। तो एलएचएस और आरएचएस आपको क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस ये आपके बराबर है। तो x इज इक्वल टू टू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये हमारा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं। तो ये आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारे सामने इक्वेशन है। तो इसको मेन मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि मेन मेथड से आपका इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। कारण ये है इसके पीछे कि अगर आप सब ऑप्शन आप चेक करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा इन कंपेयर टू आप x की वैल्यू आप मेन मेथड से सॉल्व करके निकालना। तो ये आपका क्या है, फाइव एक्स माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस थ्री, वन बाई थ्री जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस, और ये छह जब इससे एक बटे तीस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक बटे पांच हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, ये आपका 6x आपका इधर शिफ्ट होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स बाई थ्री इक्वल हो जाएगा 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई फाइव। तो यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 3, एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करोगे माइनस 4x अपॉन 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना, पांच बार जाएगा, और ये आपका तीन बार जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स अपॉन थ्री इक्वल टू एट अपॉन फिफ्टीन। तो अगर आप फोर से इसको डिवाइड करोगे ये आपका टू टाइम्स जाएगा और ये आपका फाइव टाइम्स जाएगा। एक्स यहां पर आप देख पा रहे हो कि सॉरी माइनस साइन यहां पर आप पहले से देख पा रहे हो कि पहले से है। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस टू अपॉन फाइव हो जाएगी। अब आपको जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके चेक करने की अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब एक्स की वैल्यूज प्रोवाइड करके देखेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम माइनस थ्री रखते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री लेने पर हम देखते हैं क्या हो रहा है, ये आपका थ्री इंटू, और ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस फाइव अपॉन फोर माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, फोर इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस, और ये क्या होगा, माइनस थ्री माइनस थ्री बाई टू। तो ये आपका आपको कितना दिखाई दे रहा है, थ्री इंटू, और ये आपका माइनस एट बाई फोर, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, फोर से इसको डिवाइड करेंगे टू हो जाएगा माइनस टू, और ये आपका थ्री, और ये आपका कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स से टू को डिवाइड करेंगे थ्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका थ्री हो जाएगा यहां पर। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना हो जा रहा है, माइनस छह प्लस बारह, और ये आपका तीन तीन छह, तो ये आपको क्या मिल रहा है, छह बराबर छह मिलता है। यानी एलएचएस और आरएचएस माइनस तीन रखने पे आपके बराबर आ रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो और अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते। तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो तीन हम नहीं चेक कर सकते, तीन नहीं चेक कर सकते। उसके पीछे कारण ये है कि आपका तीन पर ये जो आपका टर्म है ये आपका अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है,
अगर x की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो वो हमारा हो ही नहीं सकता। तो 3 पे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 4 पे चेक करके देखते हैं। तो 4 पे चेक करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2, ये आपका इक्वल नहीं है। तो आपका 4 भी आपका नहीं हो सकता है, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अब x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/4 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो और ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा, और आप देख रहे हैं 2/4 ये भी कितना हो जाएगा, 1/2, आधा आधा जोड़ करके किसके बराबर हो जाएगा, 1/1। LHS और RHS आपके इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 5 आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के आपके दो आंसर क्यों आए, दो आंसर आने का कारण ये है कि ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको आप किसी और वेरिएबल के, जो आपका x प्लस वन अपॉन x जो है आपका, ये आपका एक कोई और टर्म लेंगे, आप इसे मान लीजिए किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मान लीजिए, और ये x अपॉन x प्लस वन ये क्या हो जाएगा, 1/(x+1)x। तो ये आपका क्या होगा, जो आपने दूसरा वेरिएबल माना होगा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो वो आपका बेसिक मेथड है, अगर उससे सॉल्व करने बैठ गए तो इसमें बहुत टाइम हमें लग जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि -1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि -1 अगर रखेंगे तो जो आपका ये जो आपका टर्म है ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपके ए और सी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, ये हो नहीं सकते। आप देखिए बी और डी में देखते हैं, तो हमें एक पे चेक करने की जरूरत नहीं है, एक पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दोनों में है, तो एक तो इसका क्या होगा, पक्का आंसर होगा। एक पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक जो है आपका बी और डी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसमें एक आपका पक्का होगा। -2 और 2 पे चेक कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर -2 अगर आप रखेंगे तो ये आपका -2 + 1/-2 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -2/2, और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 + 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1/2, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2.5 लिखा हुआ है, इसे हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को। तो ये आपका -1/-2, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2/-1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 + 2। तो ये भी आपका कितना होगा, 2.5 के बराबर हो जाएगा, 2 सही 1/2 कह लीजिए, चाहे आप इसको 5/2 कह लीजिए। तो -2 अथवा 1 बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे सामने। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ए ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन जब चेक करेंगे तो x इक्वल टू -5 हम पुट करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -5 - 7/2, और ये -5 - 3 प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, -5 - 2/-5 - 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -12/-8 प्लस, और ये आपका हो जाएगा -7/-14। तो ये आपका माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के पहाड़े काटेंगे आपका 3 बार जाएगा, और ये आपका 2 बार जाएगा।
और इसको काटेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। तो RHS के बराबर है तो ये हमारा x = -5, हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। तो x = 6 रखते हैं, x = 6 जब रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका 5 हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और यहां पर आपका नीचे 4 हो जाएगा। और यहां 22 × 6/2 और प्लस 30 और यहां आपका 11 × 6 − 18। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 × 6 = 132 और 132 में अगर हम 30 जोड़ दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 48 आएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसे अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 2 × 8 = 16 = 81 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। अब 3 के पहाड़े से काटेंगे ये आपका 3 × 8 = 24 और 27 × 81 तो ये आपका कितना आया, 27/8। अब इसको चेक करते हैं, अगर इसको चेक करने से भी 27/8 आता है तो हमारा ये करेक्ट होगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20 और ये 5 × 20 और ये 7 × 28 प्लस और ये 4 × 5 = 20 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 × 40 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68/ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो इसको 4 × 48 काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और ये आपका 17 × 68 तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो x = −6 हम रखेंगे तो x = −6 जब हम रखेंगे तो ऊपर आपको कितना मिलेगा, −5, नीचे आपको कितना मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा −7 और ऊपर आपको मिलेगा −4 और नीचे आपको मिलेगा −8 x = −6 जब हम रखेंगे। और यहां के केस में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा −132 + 30 और ये आपका यहाँ −66 − 18 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा −102 और ये आपका −84। अब इसको काटेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे आपका हो जाएगा 42 = 51, 3 के पहाड़े से काटेंगे 14 और ये आपका 17 तो ये आपका हो जा रहा है 17/14। अगर LHS भी हमारा अगर 17/14 हो जाएगा तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया और ये आपका कितना हो जाएगा, 17/56 और ये कितना हो जाएगा, 17/56 8.40 8/56 और ये आपका 7/28 तो ये आपका 68/56। तो 4 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे आपका 17 बार जाएगा और ये आपका 14 बार जाएगा। तो LHS RHS किस पे बराबर हो रहे हैं, x बराबर -6 पे, तो हमारा x बराबर -6 क्या होगा, आंसर होगा तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें x और y की वैल्यू हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका अगर ए ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3 × 3 जो कि आपका 13 आ रहा है और 13 आपका क्या है, RHS है, तो हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो x + 2y = −1 ये हमारी इक्वेशन है
अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम कोई भी इक्वेशन में ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, चाहे हम इसको चेक कर लें चाहे हम इसको चेक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए, अगर दो एक्स की वाई, एक्स वाई की जो वैल्यूज इसको टेस्ट सेटिस्फाई करेंगी, वही एक्स वाई की वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। मतलब सेम एक्स और वाई दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें आपको दोनों इक्वेशन चेक करने की प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक है, जो एक इक्वेशन को सॉल्व करेगा वो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -6। तो ये तो आपका -4 हो रहा है, जो कि आपका गलत है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बी को चेक करके देखते हैं, बी को अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा x की जगह पे, और 2y आपका कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका -1 हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और आपको दूसरी इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है।